बरेली में मेरी पैदाइश हुई है और वहां से मुंबई तक का सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा। बहुत सारे पड़ाव आए, उस बीच में मैं काफी कुछ सीखती रही, अभी भी स्टिल सीख रही हूँ। तो ये तो एक निरंतर चलती रहने वाली जर्नी है जो स्टिल चल रही है। और हम कभी कुछ अच्छा मिल जाता है, मुझे पता है मुझे क्या काम करना है, मुझे किसके लिए आई हूँ, मेरा मकसद क्या है इंडस्ट्री में आने का। तो बहुत सारी चीजें थी और उन चीजों को ही फॉलो कर रही हूँ कि मुझे अच्छी पोइट्री का शौक है, अच्छे कलामों का, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। और इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन पे आज ही मैंने एक रिलीज किया है, जो मैंने एक मैं कविता हूँ कॉन्सर्ट, मैंने जो पहले वेब सीरीज स्टार्ट की थी, फिर वो लोगों को इतना पसंद आई और फिर मैंने उसके कॉन्सर्ट डिजाइन करना शुरू किए। और मैंने वसीम बरेलवी साहब के साथ एक कॉन्सर्ट किया, अमृता प्रीतम की पोइट्री के साथ पूरा एक एल्बम निकाला, और आज ही मैंने रिलीज किया है डॉक्टर बशीर बद्र की पोइट्री के साथ, मैं कविता हूँ विद डॉक्टर बशीर बद्र। हाँ, सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ लाइव कॉन्सर्ट्स, क्योंकि आपकी डायरेक्ट एनर्जी एक्सचेंज होती है जो ऑडियंस होती है उसके साथ, और आपको इमीडिएट पता भी लगता है कौन सा सॉन्ग पसंद आ रहा है कौन सा, तो उस वजह से हमारे लिए इजी हो जाता है। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना लाइव कॉन्सर्ट्स के बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हमारे लिए जजमेंट जज करना ईजी हो जाता है कि भाई हमें तो सब गाने पसंद होते हैं, लेकिन ये गाना लोगों ने ज्यादा सराहा, ये ज्यादा लोगों को पसंद आया, तो उस तरीके से वो एक बहुत फास्ट हो जाता है वो करना। लेकिन लाइव तो मैं बचपन से कर रही हूँ, गा रही हूँ कॉन्सर्ट्स में, शोज में, लेकिन जो फिल्मी दुनिया का जो नशा है फिल्मी म्यूजिक का, उसका तो मैं कहती हूँ कि एक तारा के बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका एक गाना पूरी दुनिया में बॉलीवुड के माध्यम से पहुंच जाता है, इतनी दूर दूर तक लोग उसको सुन रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सुन रहा है ना, हमको मालूम भी नहीं, और वो इतनी मोहब्बत देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का जरिया है बॉलीवुड, और जिसकी वजह से मुझे इतनी नाम शोहरत सब कुछ उसने दिया बॉलीवुड ने, तो मैं उसकी तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उसका ऋण कभी चुका नहीं सकती, ना बॉलीवुड का ना मुंबई शहर का, और मैं वही कर रही हूँ कि मेरा किसी से कोई कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, अपना गाने का रियाज करना, अच्छी अच्छी पोइट्री सेलेक्ट करना, उसको कंपोज करना, उसकी बस उसी में 24 घंटे लगी रहती हूँ। तो सूफी म्यूजिक खाली मैं शौक के लिए नहीं गाती हूँ या एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं गाती हूँ। सूफिज्म एक तरीका है जिंदगी जीने का, तो वो आपको जितना ज्यादा आप उसमें गहरे उतरते चले जाओगे, जितना ज्यादा आप उससे कनेक्ट होते चले जाओगे, उसको फॉलो करोगे अपने दिन रोजाना की मतलब रोजमर्रा की आदतों में, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में वो झलकने लगता है कि आपको कहने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आजकल तो हर कोई वर्सेटाइल भी हो गए हैं, और हर कोई कहते हैं ना जो दो चार गाने सीख लिए सूफी म्यूजिक में या सूफी सॉन्ग्स, तो बोलते यू नो आई एम अ सूफी सिंगर, तो वो जो स्टाइल करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको जो भी उसकी चीजें हैं कि अपने आप को सरेंडर करना उस अज्ञात शक्ति को, और अब कितनी सारी चीजें कितने सारे नॉर्म्स हैं, उस तसव्वुफ में रहना, वो सारी चीजों को आप जब अपने को 24 घंटे उसी जोन में जब रखते हो, तो जाने अनजाने आपकी पर्सनैलिटी परसोना आपका ऑरा वैसा बनता चला जाता है। फिर जब भी कोई, मैं अपने लिए नहीं बोल रही, आप इवन आविदा जी को देखो, नुसरत जी को देखो, जो भी, या फिर आप स्पिरिचुअल जो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन करते हैं, आप उनसे मिलो तो इतनी पॉजिटिविटी उनसे मिलती है और एक अलग ही ऑरा होता है। आप वो कुछ नहीं भी बोलेंगे, लेकिन आप उनसे मिल करके आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको पता नहीं कितनी दौलत कितना बड़ा खजाना मिल गया हो, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी कोशिश ये, स्पेशली लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब हमको खुद को जानने का मौका मिला कि हम क्या हैं, हम किसके लिए भागे चले जा रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं, कौन सी पागल पंथी की जो दौड़ चल रही है पागलों वाली उसमें लगे हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, क्या कर रहे हैं हम लोग, तो वो सारी चीजें
उन सब चीजों के जो सवाल थे मन में, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले भी हैं, कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं मिलना, तो बस स्टिल लगी हुई हूँ। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि बाहर की बजाय आप अपने अंतर मन को सुंदर बनाओ, तो बाहर खुद ब खुद सुंदर हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने वो गाना जो रिकॉर्ड किया था फिल्म नीरजा के लिए, जीते हैं चल, वो गाना मैंने इतना कभी नहीं गाया जितना लॉकडाउन में गाया, क्योंकि इतना खूबसूरत प्रसून जोशी ने लिखा है और इतना ही इंस्पिरेशनल है कि जब भी कभी आप लो फील करते हो तो यू जस्ट हम दैट सॉन्ग या उसको सुन लो एक बार, तो वाकई दोबारा से मोटिवेट हो जाते हो कि नहीं, कुछ भी हो, कैसी भी हालत कंडीशन हो, कैसे भी हालात हो, हमें तो पॉजिटिव रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो वो जो एक मोटिवेशन मिलता है वो बहुत बड़ी क्वालिटी है उस गाने की। और उस गीत ने पता है कितने लोगों की जान बचाई है। मेरे पास कुछ लोगों के तो मेल या कुछ लोग पर्सनली भी मिले और बोले कि हम, एक बच्ची मिली थी जो कह रही थी कि वो गीत, मतलब गीत तो उसके बारे में बता रही थी कि उसकी तबीयत खराब हुई है, वो सुसाइड करने का प्लान कर रही थी, पैरालिसिस हो गया 17-18 साल की बच्ची, लेकिन उसने FM पे ये गाना सुना और एंड शी चेंज हर माइंड, और वो वापस जिंदा रहने के लिए, मतलब उसने कि नहीं मुझे जीना है। तो जब एक गाना आपको इतना आपकी जिंदगी बदल देता है, तो मुझे लगता है कि हमको पॉजिटिव ही म्यूजिक गाना चाहिए, पॉजिटिव ही काम करना चाहिए। तो ये गाने ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, बहुत ही ज्यादा। वो ऑलरेडी UK में रिलीज हो गया, अनसुटेबल बॉय, जो उनकी विक्रम सेठ की नॉवल पे उन्होंने जो सीरीज बनाई है, उसमें मैंने 5-6 गजलें कंपोज की हैं और वो बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, तो बहुत मजा आया वो प्रोजेक्ट मीरा जी के साथ करके, बहुत बढ़िया। और इतनी प्यारी प्यारी क्लासिक गजलें ली हैं उन्होंने, गालिब है, अमीर मिनाई है, दाग दहलवी है, उन सब की गजलें मैंने गाई हैं, और वो तब्बू के कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने पिक्चराइज किया है, तो वो बहुत सुंदर लग रही है तब्बू। और तब्बू ने इतने अच्छे से निभाया, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो तब्बू आकर के देखती थी मेरा एक्सप्रेशन, मेरी बॉडी लैंग्वेज, और उन्होंने कई जगहों पर ऐसा निभाया, मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी कॉपी की है, उन्होंने कैसे गाने में उन्होंने एक्ट किया, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैंने बरेली में, रामपुर, बरेली के पास में शहर है रामपुर, वहां से मैंने रेडियो स्टेशन से ऑडिशन दिया। मुझे बहुत शौक था रेडियो सुनने का। मैं जैसे ही घर पहुंचती थी स्कूल की छुट्टी होने के बाद, सबसे पहले आते ही बैग फेंका और रामपुर लगाया। रामपुर में गाने खत्म होते थे तो मैं दिल्ली रेडियो लगाती थी, और उसमें जब लता आशा जी को सुनती थी, मैंने कहा ये लोग इतने से रेडियो में कैसे घुस जाती, कैसे दिखाई नहीं देती, इतना मतलब समझ में नहीं आता था ये हुआ। तो और फिर उसके बाद मेरे को एक अंकल मिले और मैंने उनसे कुछ बोला, मैंने कहा क्या मैं गा सकती हूँ रेडियो में, बोले कोई भी गा सकता है, जिसकी अच्छी आवाज होगी अपना ऑडिशन दो, कोई भी गाना शुरू करता है। तो मैंने कहा मैं ट्राई करूँ, बोले हाँ तुम्हारी तो आवाज बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं कैसे करना है। तो उन्होंने फिर मेरे को फॉर्म ला करके दिया रेडियो का, और मैंने ऑडिशन दिया, पास किया, उस तरीके से रेडियो का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर उसके बाद मेरी शादी हुई एंड मैं, हमारी फर्स्ट पोस्टिंग थी मिस्टर सेठ की गुवाहाटी हुई, जमशेदपुर, टाटा नगर में थे रेलवेज में, वहां रहे, तो वहां मैं रविंद्र संगीत मैंने सीखना शुरू किया, कुछ महीने रहे, फिर आसाम पोस्टिंग हुई तो मैं गुवाहाटी रही 3.5 साल, तो वहां टीवी रेडियो में गाती रही, शोज करती रही, छोटे मोटे, ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं, लेकिन सीखती रही कंटिन्यू। फिर उसके बाद हम दिल्ली आ गए, देन सीरियसली मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू करी, मैंने म्यूजिक में MA किया, हिंदी लिटरेचर में MA किया, और दोनों बच्चे दिल्ली में, मतलब थे, एक तो वही दिल्ली में ही पैदा हुआ था छोटा वाला, बस उसके बाद हमने सीरियसली उसको लिया और शोज करना शुरू कर दिया। DPS में पढ़ाती भी थी,
और एक दिन मेरे शो को मना कर दिया प्रिंसिपल ने, मेरा नॉर्वे में शो था, बोली नहीं मैं अलाउ नहीं करूंगी, समर वेकेशन थी तो भी अलाउ नहीं किया। तो मैंने इमीडिएट रेजिग्नेशन दे दिया, मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, मैं नौकरी नहीं करूंगी एंड मुझे म्यूजिक में ही काम करना है। और बस सीरियसली मैं उसमें लग गई और करते 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 यहाँ पर पहुंच गई। बस फिर बॉम्बे में रियली रियली कई लोगों को लगता है अरे बहुत लंबी जर्नी, मैंने कहा कि मैंने बहुत शायद मैं कहूंगी कि एक छोटे शहर की लड़की को यहाँ तक आने में, और सबसे बड़ी चीज की विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, जैसे लड़कियों को या किसी को वो करना पड़ता है अपने टर्म्स पे करने में, मुझे लगता है टाइम लगता ही है, आपको सब चीजें अपने मन माफिक चाहिए तो उसमें वक्त लगेगा ही लगेगा। और या तो फिर आप जैसा दुनिया नचाए वैसा नाचो, या फिर आप जैसा चाहते हो वैसा हो, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो बट उसमें खुशी ज्यादा है, तसल्ली है कि मैंने अपनी हिसाब से सब काम किए, अपनी मर्जी के हिसाब से जो म्यूजिक में, जैसे कि म्यूजिक फ्रेटर्निटी या बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में लोगों को ना, अरे सब गंदा है, सब बेकार है, ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो जो एक इमेज है, मैं उस चीज को तोड़ना चाहती थी कि नहीं भाई, सीरियस काम करने वाले भी हैं, पैशनेट लोग भी हैं, अच्छा काम करने वाले भी हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और वो नजर भी आता है लोगों को। मेरी बस जितने भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आने वाले लोग हैं, श्रोता हैं, उनसे यही एक ही गुजारिश है कि प्लीज अच्छे म्यूजिक सुनिए और अच्छे म्यूजिक को प्रमोट करिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जो अच्छा काम, सीरियसली अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास जनरली उतना फंड नहीं होता है, तो वो दिक्कत आ जाती है, फिर वो लोग हताश होने लग जाते हैं कि अरे हमारी तो काम की कदर ही नहीं है। तो प्लीज रिस्पेक्ट गुड म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक को सराहें और उसको जितनी मोहब्बत दे सकते हैं दें, और अच्छा म्यूजिक ही सुने। बस मेरी एक यही छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से।